सीमा की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ जवानों ने एक बार फिर अपनी सतर्कता दिखाते हुए पाकिस्तान सीमा से भारतीय सीमा में घुसपैठ के दो बड़े प्रयासों को नाकाम बना दिया है। घुसपैठ के ये दोनों प्रयास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किए गए। जम्मू संभाग में भारत पाकिस्तान सीमा से सटे अरनिया सेक्टर से भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को जहां सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया, वहीं जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर से घुसपैठ का प्रयास कर रहे पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया गया है। सांबा से गिरफ्तार घुसपैठिए से कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। ये व्यक्ति मानसिक रोगी था और गलती से भारतीय सीमा में प्रवेश कर गया था। इसकी संतुष्टि होने पर बीएसएफ ने पाक रेंजरों से संपर्क किया और फ्लैग मीटिंग कर व्यक्ति को पाकिस्तानी रेंजरों के हवाले कर दिया। उधर अनिया सेक्टर में घुसपैठिए को मार गिराने के बाद बीएसएफ की ओर से क्षेत्र में व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया। ये रात को करीब 2:30 बजे के आसपास अरनिया सेक्टर में जो हमारे जवान तैनात रहते हैं बॉर्डर पर दिन रात, उन्होंने कुछ हरकत देखी, उसको नोटिस किया। जब वो इंडियन टेरिटरी में दाखिल हुआ तो उसको चैलेंज किया गया, लेकिन वो अग्रेसिवली आगे बढ़ा तो उसको जवाबी कार्रवाई में फायर किया गया और उसको घुसपैठिए को मार गिराया गया। दूसरी घटना में करीब 4:30 बजे एक मूवमेंट देखा गया, उसको भी चैलेंज किया गया, तो इस केस में वो रुक गया और उसने हाथ खड़े कर लिए, तो उसके बाद में उसके ऊपर फायर नहीं गिराया गया और उसको अप्रीहेंड कर लिया गया। तो ये दोनों जो इवेंट हैं ये दिखाते हैं कि सीमा पार से प्रयास जारी है और ये इस कुछ इस प्रकार का है कि वो बीच बीच में उनकी कोशिश रहती है कि कुछ गाइड या कुछ आगे भेज के पता लगाया जाए कि पार हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं उनकी अपनी प्लानिंग के हिसाब से। लेकिन मैं आप सबको और देशवासियों को अश्योर कर सकता हूं कि हम सीमा पर परिंदा को भी पर नहीं मारने देंगे और कोई घुसपैठ उन्हें नहीं देंगे। सर, कश्मीर में जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं वो बर्फबारी के चलते बंद हुए हैं, जो यहाँ भी रजौरी पुंछ के हाई रिज वो भी बंद हुए हैं, ऐसे में फोकस जो है आईबी पर आता है, तो कितने तैयार हैं और किस तरह की तैयारी इस बार बीएसएफ ने करी? देखिए, ये हर साल का सिलसिला है, जब ऊपर पास बंद हो जाते हैं तो प्रेशर जो है आईबी की तरफ थोड़ा सा बढ़ता है। उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। आगे जो है धुंध या कोहरे का समय भी अभी आने वाला है, उसकी भी हमारी तैयारी पूरी है और हम जितना भी हमारे पास साजो सामान है, टेक्निकल गैजेट्स हैं, मैन पावर है, उससे हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि ऐसा कोई घुसपैठ हम होने नहीं देंगे। तो ड्रोन वाली जो लगातार एक खतरा बना हुआ है, लगातार वेपन ड्रॉपिंग्स हो रही हैं और इस तरह कल भी ड्रोन स्पॉट किया गया है, तो उससे निपटने के लिए कुछ फॉरवर्ड किया आपने अभी तक? देखिए, जम्मू एरिया में जो ड्रोन ड्रॉपिंग है वो पिछले 3-4 महीने से काफ़ी कम हुए हैं। उसके कुछ कारण हैं जिसकी वजह से वो कम हुए हैं, मैं इसे मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा कि हमने क्या उसके लिए उपाय किए हैं, लेकिन काफ़ी उपाय किए गए हैं और उसमें काफ़ी कमी आई है और आगे और जिस प्रकार से हमें टेक्नोलॉजी मिलती जाएगी या हम इवोल्व होते जाएंगे तो इसको भी बिल्कुल ख़त्म करेंगे। थैंक यू। दैट मीन्स एंटी ड्रोन सिस्टम सक्सेसफुल रहा है? हाँ, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको सब चीज़ें कैमरे पर नहीं बता पाऊँगा।